हिमाचल में कांग्रेस राज में विकास पूरी तरह से रुक गया है और विकास को गति प्रदान करने के लिए बीजेपी हाईकमान ने पीएम मोदी और धूमल की जोड़ी को चुना है। ये बात हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में विकास को विराम लगा हुआ है और इस कारण प्रदेश की जनता भी दुखी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईवीएम में आंकड़ा बंद है और बम्पर वोटिंग होने पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हुई है, जिससे लग रहा है कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के लिए जीत का दावा किया और कहा कि प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार के आने का जनता भी इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में विकास केवल मात्र कांग्रेस सरकार के कारण रुका हुआ है, जो कि अब बीजेपी सरकार बनने पर गति पकड़ेगा। देखिए, आंकड़ा तो मतपेटियों में बंद है, ईवीएम से बताएंगी, लेकिन हमारा जो अनुमान था कि हम 50 के आंकड़े को पार करेंगे, मुझे लगता है जितनी बम्पर वोटिंग हुई है मतदान उतना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, दो पहलू हैं, एक तो गुस्सा जो प्रदेश की सरकार के खिलाफ और दूसरा उनको एक उम्मीद के साथ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ज्यादा लाभ मिलेगा। मोदी जी ने केंद्र से 1,00,000 करोड़ के लगभग की योजनाएं दी, 71 नेशनल हाईवे दे दिए और आपको एम्स, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लेकर बाकी बड़े संस्थान दिए। विकास रुक गया है तो प्रदेश के कारण रुका है, उसी कड़ी को जोड़ने के लिए मोदी जी और धूमल जी की जोड़ी को चुना गया है।